गाइस रेडी हो जाओ आज एक कमाल का ऐसे एक्सपेरिमेंट वीडियोस को देखने के लिए जिसमें हमें यह पता चलेगा कि एक नॉर्मल बॉल और एक लेदर की बॉल अगर हम उसको हाइड्रोलिक प्रेस से दबाए गाइस तो वो पहले किसका कुचुंबर बनेगा और कौन ज्यादा सबसे स्ट्रांग है। और साथ ही ये भी बताऊंगा गाइस कि कितने प्रेशर पड़ने पर इन बॉलों का ये हाल हो गया। देखो गाइस जब एक नॉर्मल बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया गया गाइस तो वो 100-200 प्रेशर पड़ने पर उसे कुछ नहीं हुआ, जब उस पे 300 प्लस का प्रेशर पड़ा गाइस तो उसकी ये हालत होगी। नंबर 2 गाइस जब बारी थी एक फुटबॉल की जब उसको हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया गया गाइस तो आप लोग यकीन नहीं करोगे वो भी 300 प्लस प्रेशर पर फूट गया। नंबर 3 पर है गाइस एक बास्केटबॉल को रखा गया जब हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर गाइस तो आप लोग यकीन नहीं करोगे ये भी 260 के प्रेशर पर फूट गया। नंबर 4 गाइस जब बारी थी एक लेदर बॉल की और ये चेक करने की जब एक लेदर बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर दबाया जाता है और वो कितने प्रेशर पर उसका कुचुंबर बनता है। और गाइस जब आप लोगों को ये अंदाजा लगाना है कि इस पे कितना वेट पड़ा होगा कि बॉल की ये हालत होगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कितना वेट पड़ा होगा।